हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लॉ लेक्चर में देखने वाले हैं क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी में एक नया टॉपिक जिसका नाम है व्हाइट कॉलर क्राइम। इसको हिंदी में कहते हैं श्वेत कॉलर अपराध। अब व्हाइट कॉलर क्राइम में हम लोग ये देखने वाले हैं कि व्हाइट कॉलर क्राइम का मीनिंग क्या होता है, साथ के साथ हम लोग देखेंगे डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद देखेंगे वो कौन से कॉजेज हैं, देन हम रेमेडीज देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे वो कौन कौन से प्रोफेशन है जिसमें व्हाइट कॉलर क्राइम होता है, एंड लास्ट वन हम लोग देखेंगे कि इंडिया में व्हाइट कॉलर क्राइम की क्या सिचुएशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मीनिंग की। तो व्हाइट कॉलर क्राइम में इस तरीके का क्राइम होता है जो कि नॉन वायलेंट होता है, वायलेंट नहीं होता, और ये फाइनेंशियल गेन करने के लिए होता है। एग्जाम्पल पे हम समझ सकते हैं सिक्योरिटी फ्रॉड वगैरह, कॉरपोरेट फ्रॉड होता है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह होती है, या बैंक फ्रॉड, ब्लैकमेल करना, इंश्योरेंस फ्रॉड, एक्सटॉर्शन वगैरह, ये सारे इसके अंदर आते हैं, एक एग्जांपल है। उसके बाद एक छोटा सा ये भी देख लेते हैं हम कि व्हाइट कॉलर क्राइम के साथ ब्लैक कॉलर, ब्लू कॉलर, गोल्ड कॉलर, ग्रे कॉलर क्राइम भी होता है। तो ब्लैक कॉलर क्राइम कौन सा होता है? ब्लैक कॉलर क्राइम वो वाला होता है जो माइनिंग और ऑयल इंडस्ट्रीज में होता है। ब्लू कॉलर होता है जो कि लेबर वगैरह और उनके अर्ली वेजेस वगैरह होते हैं उसमें होता है। गोल्ड कॉलर क्राइम वो होता है जो लॉयर, डॉक्टर, रिसर्चर, साइंटिस्ट वगैरह जो करते हैं वो। ग्रे कॉलर क्राइम वो होता है जो कि बियॉन्ड द एज रिटायरमेंट के जाके आप वो चीजें करते हैं। एंड आफ्टर दैट व्हाइट कॉलर क्राइम वो होता है जो कि सैलरीड प्रोफेशनल होता है, टिपिकल रेफरिंग टू जर्नल ऑफिस वर्क होता है और मैनेजमेंट वगैरह होता है। उसके बाद इसमें क्या क्या आता है? इसमें बैंक फ्रॉड आता है, इसमें ब्लैकमेल आता है व्हाइट कॉलर क्राइम में, कंप्यूटर फ्रॉड हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया, फॉर्जरी हो गया, हेल्थ केयर फ्रॉड हो गया, किकबैक हो गया, थेफ्ट हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हो गया, और भी बहुत सारे जो हैं इसमें ऑफेंसेस आते हैं। उसके बाद करते हैं डेफिनेशन की। तो प्रोफेसर एडविन सदरलैंड ने डेफिनेशन दी है, उन्होंने ये कहा है कि व्हाइट कॉलर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जो कि ऐसा व्यक्ति जो कि रिस्पेक्ट वाला व्यक्ति है और उसका हाई सोशल स्टेटस है और वो अपने ऑक्यूपेशन में ये चीजें करता है और इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है चीजों को, लाइक फ्रॉडेंटली फ्रॉड वगैरह के उससे एडवर्टाइजमेंट ऐसा देगा, या क्या करेगा, इन्फ्रिगमेंट ऑफ पेटेंट पेटेंट में करेगा, कॉपी, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब चीजों को वायलेट करता है। तो ये व्हाइट कॉलर क्राइम के अंदर आता है। अब जानते हैं उसके कॉजेस क्या हैं, क्या रीजन है, क्या कारण है कि व्हाइट कॉलर क्राइम किया जाता है। तो सबसे पहला कारण ये है अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट। कोई भी व्यक्ति जो इस तरीके से क्राइम करता है वो ज्यादा से ज्यादा ह्यूज प्रॉफिट करने के लिए करता है। सेकंड वन वो फाइनेंशियली जो फाइनेंशियल गेन करता है। थर्ड वन इज इसकी लाइट पनिशमेंट है। तो अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट का यहाँ पे आपको मतलब देखने को मिलेगा, कॉम्पिटिटिव बिजनेस कम्युनिटी हो गई है। ये हम सभी लोग जानते हैं कि आजकल जो है इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन हो गया है, इस तरीके की सिचुएशन हो गई है कि हर व्यक्ति क्या सोचता है कि वो भाई जो बिजनेस में आगे निकले, उस तरीके की चीजें। एंड आफ्टर दैट फाइनेंशियल गेन कौन सा वाला होता है? फाइनेंशियल गेन प्रोफेसर सदरलैंड ने कहा इस तरीके का कॉन्सेप्ट जो व्हाइट कॉलर क्राइम में है वो अनलॉफुल एक्टिविटीज होता है बाय पर्सन के या ग्रुप्स वगैरह के द्वारा होता है और इसमें फाइनेंशियल गेन करने के लिए होता है। और साथ में इसमें जो ऑक्यूपेशन होता है ये इन लोगों के ऑक्यूपेशन में ही क्राइम कमिटेड करते हैं और ऐसे पर्सन के द्वारा होता है जिनका पर्पस ही ये होता है कि वो इस तरीके से फाइनेंशियल गेन करे। तो इन लोगों का यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेन मोटिव यही रहता है फाइनेंशियल गेन करने का, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए चीजें करते हैं। वो इस चीज में ये चीज नहीं देखते कि भले ही उन्हें उनकी स्टेटस को कितना नुकसान पहुंचेगा। उसके बाद बात करते हैं लाइट पनिशमेंट। सदरलैंड ने इस बात पर कहा कि सारे अगर फीचर को देखें तो उसमें इस तरीके के जो क्राइम है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्पटेशन यानी कि सिर्फ और सिर्फ लालच की वजह से होते हैं, मटेरियल गेन करने के लिए होते हैं, और वो ये नहीं देखते कि छोटा मटेरियल गेन करने के चक्कर में वो अपने स्टेटस को, वही चीज, अपने स्टेटस को लॉस कर रहे हैं। इस तरीके से जो है मिसलीडिंग होती है। जुडिशियल जो अथॉरिटी है वो कंसर्न जो प्रिवेंट वगैरह करने का ट्राई करती है, और जो इसमें क्राइम रिएक्ट होता है वो फेवरेबल रहता है अपर क्लास और मिडिल क्लास सोसाइटी के लिए। साथ में डिस्पोज होता है ऐसा व्हाइट कॉलर क्राइम विद मेयर। इस तरीके के ये भी आपको देखने को मिलता है, लाइट पनिशमेंट है, कोई इतना ज्यादा वो नहीं है, प्री वार्निंग वगैरह मिल जाती है सारे से ही, पैनल सेक्शन वगैरह अंडर दिस लॉ रहता है। तो ये है लाइट पनिशमेंट। आफ्टर दैट बात करते हैं अब इसकी रेमेडी क्या है, रेमेडी या प्रिवेंशन आप बोल सकते हैं, प्रिवेंट कैसे करें। तो सबसे पहला है कॉजिंग पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा अवेयर कर सकते हैं, पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा अवेयर होना भी चाहिए कि इस तरीके से बैंकक्रप्ट और ये सारी फ्रॉड वगैरह जो कॉल होती है उस पर ध्यान ना दे। सेकेंड वन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल
स्पेशल ट्रिब्यूनल, स्पेशल ट्रिब्यूनल्स वगैरह बनाए भी हुए हैं। तो ये कि इसकी रेमेडी है कि स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएं अलग अलग कंपनी में, अलग अलग इस तरीके के प्रोफेशन में ये सारी चीजें होती हैं। थर्ड वन इज ड्रास्टिक पनिशमेंट। ड्रास्टिक पनिशमेंट का मतलब होता है इस तरीके से पनिशमेंट जो व्हाइट वर्कर किया जाए कि जो ये क्राइम है वो कम हो जाए। अब इसके लिए लेजिस्लेचर को भी, लेजिस्लेशन को भी सोचना चाहिए और जस्टिफाई जो है अपना पर्पज रखना चाहिए। फोर्थ वन इज व्हाइट कॉलर क्राइम जो है बी मेड स्पेसिफिक ऑफेंस है, अंडर आईपीसी पे गिवन है और इसमें क्या है अमेंडमेंट होनी चाहिए और ज्यादा, और पनिशमेंट पे वो देना चाहिए क्योंकि इस तरीके के जो हाई सोशल स्टेटस वाले लोग होते हैं वो पनिशमेंट से बच जाते, तो उनको पनिशमेंट से बचना नहीं चाहिए, उनके लिए एक अमेंडमेंट होनी चाहिए ताकि वो इस तरीके से बच ना सके। फाइव वन इज हैवी फाइन इन पे इम्पोज करना चाहिए। व्हाइट कॉलर जो क्रिमिनल्स होते हैं हैवी फाइन होगा तो, और हैवी फाइन के साथ हैवी फाइन रेदर देन अरेस्ट और डिटेंशन वगैरह भी होनी चाहिए, डिटेन वगैरह भी करना चाहिए। सिक्स्थ वन इज, और बेसिकली तो इन्हें हैवी फाइन ही करना चाहिए क्योंकि इनका जो मोटिव होता है वो गेनिंग होता है, प्रॉफिट होता है, ह्यूज प्रॉफिट, तो इनके वहीं पे ही इकोनॉमिक लेवल पे ही इन्हें पनिश करना चाहिए। सिक्स्थ वन इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल क्राइम कमीशन जो है उसमें इस बात को देखा भी गया है, टैकल किया गया है इस तरीके की प्रॉब्लम्स को, ये जो इस तरीके से क्राइम हो रहे हैं और इनके बारे में फैक्ट्स वगैरह के बारे में और अच्छे से ज्यादा जो है ध्यान देना चाहिए। फिफ्थ वन इज व्हाइट कॉलर क्राइम इन सर्टेन प्रोफेशन। कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं, वैसे तो बहुत सारी जगह है लेकिन कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जो कि सर्टेन प्रोफेशन है जिसे हम सभी लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है मेडिकल प्रोफेशन, सेकंड वन इज इंजीनियरिंग, थर्ड वन इज लीगल प्रोफेशन, फोर्थ वन इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड फिफ्थ वन इज व्हाइट कॉलर क्राइम इन बिजनेस डील। अब मेडिकल प्रोफेशन में कैसे है, मेडिकल प्रोफेशन में हम सभी लोग देखते हैं, लाइक हमने गब्बर मूवी देखी होगी सभी ने, तो उसमें अक्षय कुमार वो क्या होता है वो सारी चीजें कि उस पेशेंट को, ऑलरेडी पेशेंट मरा हुआ है फिर भी उसका इलाज कर रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बिना बात का बिल बना रहे हैं। तो मेडिकल प्रोफेशन में इस तरीके से व्हाइट क्राइम बहुत होता है। इंजीनियरिंग की बात करें तो भाई इस इंजीनियरिंग में भी इस तरीके से चीजें होती है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो जो है उस तरीके से उन्होंने क्या किया, अपने ही पर्सन से जो है मटेरियल वगैरह ले रहे हैं, सस्ता मटेरियल लगा रहे हैं, जिससे क्या, मान लीजिए पुल वगैरह इस तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब वो सस्ता माल और खराब लगा उससे क्या है रोड धस जाएगी या पुल गिर जाएगा, इस तरीके की चीजें होती हैं और हादसे होते हैं, ये सब क्यों होते हैं, इन्हीं चीजों की वजह से होते हैं इंजीनियरिंग वगैरह के तरीके से। फिर लीगल प्रोफेशन पे बात करें तो लीगल प्रोफेशन पे जो लीगल जो प्रैक्टिशनर होते हैं, जो प्रैक्टिशनर है नए नए, वो क्या करते हैं, वो ह्यूज प्रॉफिट करने के लिए कि भाई नए नए हैं प्रॉफिट कमाने के लिए वो इस तरीके से उल्टी पुल्टी हरकत करते हैं जो कि गलत है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में तो हम सभी जानते हैं कि पढ़ाई के नाम पर क्या हो रहा है आज की डेट में, इतनी इतनी हैवी फीस कर देते हैं, इतना हैवी बर्डन कर देते हैं क्योंकि, और सबसे ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ही आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी, इस तरीके की चीजें देखने को मिल जाएंगी क्योंकि इनका मेन मोटिव ये रहता है कि इन्हें फाइनेंशियल अपना गेन करना ही करना है, चाहे बच्चे का फ्यूचर हो चाहे कुछ ना हो, इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब होता है, दैट्स इट। थोड़ी थोड़ी फीस को मतलब थोड़े थोड़े से कोर्सेज को ये लोग इतना हैवी, इतना एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं कि बच्चा वर्डन में वो करता है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एक मूवी आई थी सुपर 30 ऋतिक रोशन की, तो वो यहां से हमें देखने को मिलती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्या इस तरीके से हैवी फीस चार्ज करते हैं बच्चों पे। फिफ्थ वन इज व्हाइट कॉलर क्राइम इज बिजनेस डील। बिजनेस डील में भी व्हाइट कॉलर क्राइम होता है, लाइक कैसे होगा, कोई बिजनेस डील है किसी तरीके से, फॉरेन एक्सचेंज और इस तरीके की चीजें होती हैं, तो उसमें क्या है ट्रेडमार्क के अगेंस्ट चले जाते हैं वो लोग, लेबर वगैरह को इतना नहीं देखते, कॉपीराइट वगैरह इतना ध्यान नहीं देते और इस तरीके से फ्रॉड करते हैं, एक ही नाम से कई बार क्या होता है कि इस तरीके की चीजें करते हैं। अभी काफी कंपनियों के साथ ये भी हुआ है कि बिजनेस डील कर ली और वो जो है फ्रॉड निकली। और सिक्स्थ एंड लास्ट वन इज है कि पोजीशन ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम इन इंडिया। पोजीशन क्या है व्हाइट कॉलर क्राइम की इंडिया में, पोजीशन क्या है, तो व्हाइट कॉलर क्राइम की इंडिया में जो पोजीशन है वो यही है कि अब इस इंडिया में क्या है, इंडिया में यही चीज तो आ रही है, जो ग्लोबल फिनोमेना हम देखते हैं अदर कंट्री में और इंडिया से अगर उसको देखें तो उसमें व्हाइट क्रिमिनलिटी इतनी ज्यादा है, इतना इंक्रीज हो गया है व्हाइट कॉलर क्राइम कि अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा डेवलपिंग हो रही है तो वहां पे इस तरीके की चीजें देखने को मिलते हैं। और उसके बाद एक आपका ये होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग वगैरह और ये अडल्ट्रेशन वगैरह, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती है कि किस तरीके से ये जो है अडल्ट्रेशन और जो
ह्यूज प्रॉफिट करने के लिए कि भाई हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करना है, ये सारी चीजें। इस पे मिस्टर जस्टिस एमसी छागला जी ने भी बात कही, और उसमें क्या है, व्हाइट कॉलर क्राइम जो कॉमन जो इंडिया का ट्रेड और बिजनेस है उसमें ये सब देखा जाता है कि प्रॉफिटिंग के लिए ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज किस तरीके से हो रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे जो लॉ है वो फ्रीक्वेंटली किस तरीके से इससे नुकसान पहुंच रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने ह्यूज प्रॉफिट के लिए। इंडिया में इसका जो है बहुत ज्यादा है व्हाइट कॉलर क्राइम, और कॉमन ही है इंडिया में तो व्हाइट कॉलर क्राइम कॉमन ही है इन अदर कंट्री, और जो कि पब्लिक हेल्थ को भी बिगाड़ता है, लाइक ड्रग्स वगैरह हो गया, फूड स्टफ वगैरह हो गया, घटिया मटेरियल लगाते हैं जिससे कि क्या है पब्लिक को नुकसान पहुंचता है। तो व्हाइट कॉलर क्राइम इन इंडिया में बहुत ज्यादा है। तो आई होप व्हाइट कॉलर क्राइम आपको क्लियर हुआ होगा, उसके साथ हमने कई और रंग के जो है जो कॉलर देखे। तो वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।